के लिए हमने चैप्टर डिस्कस किया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और उसी को हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। जहां से हमारा रह गया था वहीं से हम इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। वार्म वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस क्लास हम कहां पर डिस्कस कर रहे थे, हालविच एंड लेनॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। क्या किया था हमने, फोटो करंट को हमने डिस्कस किया था, सैचुरेशन करंट को डिस्कस किया था। तो उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था बेसिकली, और वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है मैं आपको फिर से याद दिला दूंगा, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको हेडिंग बनाई थी कि हमारे पास जो डिस्कशन है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या हम बोल सकते हैं सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये दो ऐसी डेफिनेशंस है जिनको हमने डिस्कस करना था, और इसमें से स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा रह गया था और सैचुरेशन करंट जो है उसको माय डियर स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर ये सारे लेक्चर अवेलेबल है, आप उस लेक्चर को पहले देखिए फिर इसको वहां से आप कंटिन्यू करिए, राइट। चलिए, तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने एक वैक्यूम ट्यूब लिया था। तो कैसे लिया था, अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है, ये हमारे पास एक, और इसके अंदर हमने दो प्लेट्स को फिक्स किया था, एक को मैंने ना, और यहां से एक विंडो बनाई थी। उस विंडो से क्या किया था, हमने फोटॉन्स डाले थे ऐसे करके एक विंडो बनाई थी, और यहां से हमने एक मेटल प्लेट बनाया था ऐसे, और दूसरे एंड से और एक मेटल प्लेट बनाया था। ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ है। एक मेटल का नाम हमने रखा था कैथोड, और ये वाला जो है इसका नाम रखा था हमने कैथोड, और इसका दूसरा नाम हमने इमीटर बी रखा था। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये इमीटर जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसलिए इसको इमीटर बोलते हैं, और यहां से जो ये वाला है इसको हमने नाम दिया था एनोड, और इसका दूसरा नाम हमने रखा था कलेक्टर, और ये वैक्यूम जो था वैक्यूम चैम्बर, ये वैक्यूम का ट्यूब बना हुआ है, ठीक है। ये एक तरफ से कैथोड, एक तरफ से एनोड, और यहां से हमने लाई थी लाइट जो इस पर पड़ रही है वो इसे विंडो के थ्रू आ रही है, और यहां से आ रहे हैं फोटॉन्स, एनर्जी के पैकेट्स यहां से आ रहे हैं। इस मेटल प्लेट पर जब ये गिरेंगे तो यहां से, मैंने बोला था कि यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल के आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ऐसे निकल के जाते हैं और वो यहां से यहां जाते हैं। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसी काइनेटिक एनर्जी से यहां जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि वर्क फंक्शन के बाद जो बची हुई एनर्जी होती है वो ये इस्तेमाल करते हैं एज अ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, उतनी एनर्जी नहीं होती है ताकि ये जा सके। उसके बाद में हमने यहां से ये फिक्स किया था, ये जो एक प्लेट है और इसको यहां से हमने बैटरी के साथ फिक्स किया था ऐसे करके, ये बैटरी के साथ, और करंट को मेजर करने के लिए एक एम्पियर मीटर लगाया था ऐसे करके, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। और ये वेरिएबल है, यहां से वेरिएबल रिहोस्टेट लगा के वेरिएबल वोल्टेज यहां से हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या इसका हम चेंज कर सकते हैं, अगर यहां से पॉजिटिव है यहां से नेगेटिव बना सकते हैं, राइट, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। उसके बाद में मैंने क्या किया था, यहां से हमने पॉजिटिव दिया था, पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई की थी, यहां से पॉजिटिव दिया था। जब यहां से पॉजिटिव दिया तो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव की वजह से दौड़ के आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आ जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं, एंड मोर फोटो करंट चलती थी। हम चाहते फोटो करंट ज्यादा हो। उसके बाद क्या हुआ, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती थी कि वो यहां कैथोड से एनोड पे जाए, तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, उसकी वजह से मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव प्लेट, और एक टाइम ऐसा आ गया
जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गए वो सारे के सारे यहां की ओर चल दिए, फिर यहां से चले, फिर यहां से चले, और इस तरह से एक करंट चली जिसका नाम हमने रखा था फोटो करंट। और एक टाइम ऐसा आया था जब मैंने बोला था कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां की ओर चले और करंट कॉन्स्टेंट हुई, और उसको हमने नाम दिया था सैचुरेशन करंट। यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सैचुरेशन करंट क्या होती है। ध्यान से देखिए, जितनी इंटेंसिटी की ये लाइट है, जिस इंटेंसिटी से यहां आई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, और वहां पर मैंने स्पेस चार्ज भी बताया था, और यहां से जितनी इसकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन को निकालने की, वो सारे के सारे हमने इस पॉजिटिव प्लेट, यहां से पॉजिटिव चार्ज दिया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव इधर की ओर हो गए। यहां तक हमने किया था और उस वाली करंट को हमने सैचुरेशन करंट नाम दिया था। अब आगे, अब मैंने क्या कर दिया, यहां से मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, मैं इसकी पोलैरिटी चेंज भी कर सकता हूं, और यहां से मैंने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहां पर पॉजिटिव की जगह मैंने यहां से अब नेगेटिव दे दिया। मान लो मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी और यहां से नेगेटिव, ऐसे करके यहां से अभी पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था, इसको पॉजिटिव दिया था, इसको नेगेटिव दिया था, अब मैंने चेंज कर दिया, यहां से नेगेटिव दिया और यहां से पॉजिटिव दिया। अब ध्यान से देखिए इससे क्या होगा, जब मैंने पॉजिटिव दिया था तो इलेक्ट्रॉन आराम से इधर की ओर आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन जब हमने अब नेगेटिव प्रोवाइड कर दिया तो नेगेटिव से क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से, ये भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग जाएगा। लेकिन शर्त ये है, आपने तो नेगेटिव दिया लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो इसको नहीं मानते हैं, ये पोटेंशियल कम पड़ जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बशर्ते आप यहां इसको नेगेटिव दे दो, लेकिन वो फिर भी ऐसे करके फोटो करंट चलाते हैं। उससे क्या होगा, मैंने नेगेटिव दिया, इसने इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, ये यहां से रिपल हो रहा है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं इस नेगेटिव पोटेंशियल से, लेकिन कुछ नहीं रुक रहे क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब कौन रुकेंगे, किसको ये वापस धकेलेगा, कौन पार करके चला जाएगा, ये डिपेंड करेगा उस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पर। फिर से, कौन इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके ऐसे फोटो करंट बनाएगा, ठीक है ना, और कौन इलेक्ट्रॉन इस माइनस की वजह से ये रुकेंगे, ये डिपेंड करेगा इन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किसी की वर्क फंक्शन ज्यादा है, वो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। लेकिन यहां आप ध्यान रखिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस माइनस की वजह से भी जा रहे हैं, क्योंकि ये इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से नहीं रोक पा रहे हैं, रिपल्शन की वजह से नहीं रोक पा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं और इलेक्ट्रॉन रुके, मैंने और ये माइनस बढ़ा दिया, जब मैं और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, क्योंकि मैं यहां पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, जितना मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा उतने उतने इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। अब देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां जाना है, यहां माइनस पड़ रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन को यहां जाना है, मुझे लगता है कि इस इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिलहाल मैंने यहां नेगेटिव पोटेंशियल दिया, इसको मैं लिखने जा रहा हूं। इफ वी अप्लाई, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इफ वी अप्लाई व्हाट पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल किस पर दिया, एनोड पर, नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, ऑन एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। उससे क्या होगा, द फोटो करंट विल डिक्रीज, क्योंकि अभी तक अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल नहीं है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे थे, पॉजिटिव इधर था, पॉजिटिव इसके खींच के लाया था, लेकिन मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, मैंने नेगेटिव कर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन को ये रोकेगा, उससे जब इलेक्ट्रॉन रुकेंगे तो फोटो करंट रुक जाएगा, तो फोटो करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड बाय एनोड, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स the photoelectrons
विल बी रिपेल्ड बाय एनोड। सीधी बात है क्योंकि माइनस यहां से है और यहां से माइनस अपोजिट में पड़ रहा है तो रिपेल्ड हो जाएगा एनोड से एंड फोटो करंट विल डिक्रीज। उससे क्या होगा एंड फोटो करंट विल डिक्रीज एंड फोटो करंट विल डिक्रीज। फोटो करंट क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। धीरे धीरे माइनस बढ़ा दिया थोड़ा सा पोटेंशियल नेगेटिव दिया कुछ इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे फोटो करंट डिक्रीज हो। मैं चाहता हूं और रुके तो और पोटेंशियल देना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं और रुके तो और पोटेंशियल देना पड़ेगा। क्लियर है। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल जब हम फर्दर इंक्रीज करेंगे ऑन एनोड ए सिचुएशन विल अराइज। अक सिचुएशन ही यम साथ जन में फोटो करंट बांधी गच अराइज। ए सिचुएशन विल अराइज व्हेन नो इलेक्ट्रॉन विल रीच टू एनोड। सिंपल बात है ये साथ है नेगेटिव पोटेंशियल योड बढ़ाओ। अख वक्त बाद ये कि योड ये पोटेंशियल बढ़ त्यूता कि वन पकती कहीं इलेक्ट्रॉन ब्रोह तेज यूत बढ़े फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर कंस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तेज तूत पोटेंशियल नेगेटिव दिम बह योर कि वन कर रिपेल। क्लियर शाह। तो ये एनोड पर नहीं पहुंचेंगे और उससे क्या होगा एंड फोटो करंट बिकम जीरो अब इधर ध्यान दीजिए। मैंने मान लो 2 वोल्ट यहां पर दे दिया, यहां पर मैंने पोटेंशियल 2 वोल्ट दिया। उसने मान लो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो 2 वोल्ट की वजह से जिनके पास एनर्जी उतनी है कि वो 2 वोल्ट की वजह से रुकेंगे यानी तिमो तिमो नेगेटिव पोटेंशियल 2 वोल्ट की तिम रुकन। मगर कैंसन आज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तिम पकन तो वन अगर अम खुद ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वन कर दिमे 3 वोल्ट वह रुकाई बे कैंसा इलेक्ट्रॉन इन अम खुद ज्यादा एनर्जी आम खुद दिम 4 वोल्ट यो अगर बे ज्यादा आज बहुत 5 वोल्ट मान तो 5 वोल्टस पे वमिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनस आमिस सारे खुद ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आज 5 वोल्टस पे रुकान। वन अगर बह 6 वोल्ट दिम 7 वोल्ट दिम फर्क फायदे 5 पे फोटो करंट बंद ग। अगर बह 6 वोल्ट दिम गो 5 वोल्ट यम साथ दिवान कहीं फोटो करंट चल वे पकान कहीं इलेक्ट्रॉन वातान एनोडस पे वन जन निक 6 वोल्ट तम सी ये 5 वोल्ट सो तम सी। मगर अगर तुम 4 वोल्ट दोल्टस पे सारी इलेक्ट्रॉन रुकान कह 4 वोल्टस पे इलेक्ट्रॉन पकान ब्रोट कुछ इलेक्ट्रॉन फिर भी यहां से इस प्लेट पर आ रहे हैं मगर 5 वोल्टस पे वन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वल इलेक्ट्रॉन तुकान तम त्रोट पकान कह 5 वोल्ट ध्यान सा यह मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल बुकस पोटेंशियल दिवान नेगेटिव सो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ये मान बह 5 वोल्ट अगर तो 5 वोल्ट बन दिख आराम सान इलेक्ट्रॉन वन एनोडस पे वातान मगर 5 वोल्टस पे वन कहीं इलेक्ट्रॉन वापस वातान कह वन दि 6 वोल्ट तम सी पे कहीं वात 7 वोल्ट दि कहीं वात 8 वोल्ट दि कहीं वात इस 5 वोल्ट कर सह कर 6 वोल्ट त मगर इस वो 4 वोल्ट दिख 4 वोल्ट 5 खुद कम मतलब गो अम पे नलेक्ट्रॉन तम पकान सद ब्रोट कह पकान ब्रोट मगर 5 वोल्ट सह मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल 5 वोल्ट मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल कतन दिवान एट एनोड गो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ये गो 5 वोल्ट बे वन सो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड
with respect to cathode. You say anode spectrum demand with respect to cathode, which can just stop the photocurrent. Which can just stop the photo. Panchas pet go just stop the photocurrent. Chorus pet go ne kiye. Panchas pet go band the photocurrent. Tat potential ashche manan. Tat potential ashche manan. Ye kya? Stopping potential. Hara mai te fikri go. Lal go su kadu ki itki go su lal kadu. Thik shab. Bey buju. Tala iske diman mein negative potential. So minimum magnitude of negative potential is to anode spectrum divan. So minimum magnitude of negative potential is kaiden chup divan. Anode spect. With respect to cathode. With respect to what? Cathode. So minimum magnitude yem saatan photocurrent just get stop. Tat potential is vanan, tat negative potential is vanan, stopping potential yes is vanan, stopping voltage. Yes, manan. Stopping potential. Yes, manan. Stopping voltage. Te lekha bhai yohai kasa? Te lekha bhai image definition? Shabash. Kya lekh bhai til? The minimum magnitude of negative potential at anode with respect to cathode which can just stop the photocurrent which can just stop the photocurrent is called stopping potential yachismanan or stopping voltage. You go to definition of stopping potential. Note kariye, definition of stopping potential. The minimum magnitude of potential at anode with respect to cathode, which can just stop photocurrent, is called stopping potential. Yes, is one stopping voltage. Theek hai, iska graph fir se baad mein banayenge, photocurrent, stopping potential. Theek hai, wo aage hum leke jayenge, lekin filhal aap isko note kariye, fir hum aage chalte hain. चलिए अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे. डेरिवेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कद बराबर चौसन उसी की चर्चा करेंगे. डेरिवेशन ऑफ तो नोट करिए डेरिवेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ये कद बराबर चौसन स्टॉपिंग पोटेंशियल सुई पूछो. डेरिवेशन ऑफ derivation of stopping potential derivation of stopping potential right derivation of stopping potential. अच्छा अब ध्यान से देखिए अगर यहां से माइनस है नेगेटिव पोटेंशियल है यहां से ये नेगेटिव पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड पहुंचना है. ये कब पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन को वर्क करना है अगेनेस्ट द इलेक्ट्रॉन इज डूइंग द वर्क अगेनेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा ऐसे माइनस पड़ेगा ये इसको रिपेल करेगा. लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन आराम से ऐसे आते हैं ऐसे चले जाते हैं ऐसे करके ये उनको रोक नहीं पा रहा है जितना जितना हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है
इलेक्ट्रॉन तभी जा पाएगा जब वो वर्क करेगा अगेनिस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेनिस्ट कैसे काम करेगा, कौन ये काम करवाता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने में मदद करता है। यहां से नेगेटिव है, यहां से अपोजिट में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन मिल रहा है, लेकिन ये फिर भी इधर जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये आराम से जाता है। तो इसका मतलब है ये जो वर्क करता है, ये जो काम करता है फ्रॉम कैथोड से एनोड पहुंचने में, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से कर रहा है। वो किसकी वजह से कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो कर रहा है। तो इसको मैं नोट करूंगा, यहां पर लिखूंगा व्हाइल मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इससे आपको क्लियर हो जाएगा, व्हाइल मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सी टू ए व्हाइल मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है, कौन कर रहा है, क्या दे रहा है वो अगेनिस्ट दिस इलेक्ट्रॉन ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से अगर इसको वहां से अपोजिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट में मिल रहा है, लेकिन ये फिर भी जा रहा है, वर्क कर रहा है, कौन देके? काइनेटिक एनर्जी देके, वहां खर्च करके। काइनेटिक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसको, तभी वो इसके अगेनिस्ट जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वो जा रहा है, वर्क कर रहा है, और खर्च क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं। जब मैंने यहां से पूरा नेगेटिव पोटेंशियल 5 वोल्ट का दिया था तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुके थे, यानी पूरे एनर्जी खर्च करने के बाद भी वो नहीं जा रहे हैं जितने पास है ने, लेकिन फिर भी ये उनको रोक रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल उनको रोक रहा है। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कैनॉट रीच एनोड। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल से तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तुम आराम सान पकान, मगर एट स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर फोटो करंट रुकान सू इलेक्ट्रॉन सारे रुकान सू ब्रो दिवान पकने कंसे गो स्टॉपिंग पोटेंशियल आव तुम कहीं इलेक्ट्रॉन पकान। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल ये सारी खुद ज्यादा काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल से ये दिता है नेगेटिव पोटेंशियल तम रुको फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन ये सारी को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी सू रुको कम साथ एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो नोट करते हैं एट स्टॉपिंग पोटेंशियल इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट मतलब जिसके सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच टू एनोड। ट्रांजिशन कहीं तो पकान कैन नॉट रीच द एनोड एंड फोटो करंट बिकम्स जीरो एंड फोटो करंट बिकम्स जीरो फोटो करंट बिकम जीरो तर तेल हनित फोटो करंट बिकम जीरो तेल हनित काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सू कथ बराबर
مے کت کن تر فکر تلا ساری کھو زیادہ کائنیٹک انرجی وول پتم ایگزامپل مز رکایو سائد 5 وولٹ سے گو نیگیٹو پوٹینشل دتو چھ 5 وولٹ گو یمس ورک کرمز آن دا ایکسپنس آف کائنیٹک انرجی یہ چھ یمس کائنیٹک انرجی اس خرچ گمت امس مز کوتا کائنیٹک انرجی چھ اس کت کن تر فکر اس تر فکر اس چوشان اس چھ دیوان یور سٹاپنگ پوٹینشل اس چوشان ساری کھو فاسٹسٹ الیکٹران کمی سید رکی سو بائی دا سٹاپنگ پوٹینشل تیلی ونا با تیلی ونا با یہ ورک کچھ ورک آسم کرم سب ورک آسی برابر سب ورک آسی برابر شباش سب ورک آسی برابر ان کیس آف ورک ڈن ان الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ کے الیکٹرک فیلڈ میں ورک کر رہا ہے الیکٹرک فیلڈ میں جو ورک ہوتی ہے وہ ورک ڈن ہوتی ہے برابر کیو انٹو ڈیلٹا وی یہ جو یاد ایسٹر نصاب سپن ہوں ورک ان الیکٹرو فیلڈ سوچاسن کیو انٹو ڈیلٹا وی اچھا ونن ورک ڈن ان الیکٹرک فیلڈ ورک ڈن ان الیکٹرک فیلڈ کوتا ورک آسم کرمت ورک ڈن ان الیکٹرک فیلڈ اس مچ آسم ورک برابر کیو انٹو وی کائنیٹک انرجی میکسیمم کوتا اس ہے سو اس نے ورک کرمت سو ای ورک کرنا ہے یہ پٹ اتن دان ورک ڈن اتنا ہی کام کرے گا دیٹ ورک ڈن ہی کائنیٹک انرجی میکسیمم ہوگی کائنیٹک انرجی میکسیمم اس نے تیرے برابر ورک ڈن اس برابر آسنا تو ورک ڈن ان الیکٹرک فیلڈ آسن برابر کیو انٹو وی تے لکھا ہوا کے میکس آس برابر کیو آس برابر کے میکس آس برابر کیو کیو کے بدلے کیا ہے یہاں کیو کے بدلے الیکٹران ہے چارج تو یہ الیکٹران ہے اور وی کے بدلے سٹاپنگ پوٹینشل ہے وی ناٹ یہ تھا ورک آس گمت کائنیٹک انرجی میکسیمم سا کائنیٹک انرجی میکسیمم سائز برابر ورک ڈنس تکیز ورک چھو امیس کرونا اگینسٹ دیس سو کائنیٹک انرجی مانا ورک ڈن چھاسن برابر کتھو ورک ڈن ان الیکٹرک فیلڈ کیو انٹو وی یہ کو کیو بدلے ای تو وی ناٹ ایمی مطلب گو اچھو یہ تین چھ کائنیٹک انرجی میکسیمم سپوز فائیو فائیو چھ میکسیمم کائنیٹک انرجی سو چھو رکان کم سیت پانچ سیت گو سا کائنیٹک انرجی آشنا برابر پانچ اس وہ یہ چاہیے کہ تمہیں سے رکو نا ہے سو منیمم چھنا یہ ہوئی وہ یہ اس برابر پانچ اس کی کائنیٹک انرجی اس گولے ای وی ناٹ ایمی مطلب گو یہ وی ناٹ کیا چھو ہے سٹاپنگ پوٹینشل یہ وی ناٹ اس برابر کے میکس ڈیوائیڈ بائی ای یہ گو سو ہے سٹاپنگ پوٹینشل کے میکس ڈیوائیڈ بائی ای یت وی ناٹ اس بنا نے سٹاپنگ پوٹینشل سٹاپنگ پوٹینشل وہ چوز یمس الیکٹرانس چھ انرجی کی انرجی یمس یمس چھ 4 جول اف انرجی مے کر کوم 4 وولٹ سے درکیو یہ بہ ہکنا لکھت الیکٹرانس اہنز انرجی چھ برابر 4 وولٹ اے ہکنا لکھت یہ چھ یت سٹاپنگ پوٹ اگر 5 آشا سپوز سوچ رکان 5 بہ ہکنا یمز برابر کر تا وے کرم ایجن کی میکس از ایکول ٹو ای وی ناٹ ٹھیک چھ اس کو نوٹ کریے تو ہمارا جو سٹاپنگ پوٹینشل ہے وہ سٹاپنگ پوٹینشل ہوتا ہے کی میکس ڈیوائیڈ بائی ای K max divided by E. ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं और आराम से 2 वोल्ट से मैंने इनको रोका मतलब इनके पास ये जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क वर्क डन के बराबर वो वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी जो इनके पास है वो वर्क डन के बराबर होगा अब यहाँ और जोर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मैंने थोड़ा और पोटेंशियल दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल एक टाइम ऐसा आया जिस पोटेंशियल पर ये रुके उस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट के बराबर होगा ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हमने इस स्टॉपिंग पोटेंशियल से वो वर्क डन के बराबर होगा और वो वर्क डन ईवी नॉट के बराबर होता है और वी नॉट के मैक्स बाई ई होता है ठीक है इसको नोट करिए फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट इधर ध्यान दीजिए हमारा जो के मैक्स वी नॉट आ गया वो किसके बराबर है के मैक्स बाई ई वी नॉट हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर हमारे पास आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वो बराबर होता है के मैक्स डिवाइड बाई ई इसको फिलहाल हम यहां याद रखते हैं और जो हमारा इसके बाद जो हमारा छोटा सा और एक टॉपिक है ध्यान से सुनिए वो है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल या आइंस्टाइन्स
फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो नोट करिए, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान से देखिए, इन आवर प्रीवियस क्लास में हमने क्या बोला था कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, प्रीवियस क्लास की बात हो रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की होगी, कितनी होगी, जितनी आप यहां से फोटॉन के पास जो एनर्जी होगी, जितनी वो एनर्जी लेके आएगा, उस एनर्जी में से थोड़ा सा एनर्जी उसके वर्क फंक्शन में लगेगा, और जितनी वर्क फंक्शन के बाद उसकी एनर्जी बचेगी वो इस्तेमाल करेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी। फिर से, एनर्जी लेके आएगा और जो एनर्जी लेके आएगा कुछ एनर्जी उसके वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन में चली जाएगी, फाइनॉट में चली जाएगी, और जितनी उसकी बाकी की एनर्जी होगी वो इस्तेमाल करेगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। राइट, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, वो होगी एनर्जी ई जो लेके आया, उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर दो। अगर यहां से 10 आया, 10 तो वर्क फंक्शन लगा 2, तो उसको करो 10 माइनस 2, 8 लेके वो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बनेगी ई, जो फोटॉन के पास एनर्जी है, माइनस जो फाई नॉट इसका वर्क फंक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, के मैक्स इधर किसके बराबर होगा, इधर के मैक्स बराबर होगा, ये के मैक्स ये बराबर होगा ईवी नॉट के। ठीक है, तो यहां के मैक्स की जगह लिखते हैं ईवी नॉट, यहां से इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ईवी नॉट इज इक्वल फाई नॉट। तो यहां से मुझे बताइए वी नॉट किसके बराबर आएगा, वी नॉट जो है वो आएगा ई माइनस फाई नॉट, और ये ई इधर आ जाएगा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, यहां पर लिखूंगा वी नॉट इज इक्वल, ध्यान से वी नॉट इज इक्वल ई, ई क्या है, ई है एनर्जी ऑफ द फोटॉन, और वो एनर्जी ऑफ द फोटॉन किसके बराबर होता है, वो एच एफ के बराबर होगा, वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया ई एच एफ के बराबर होता है। तो ये बनेगा एच एफ माइनस फाई नॉट होल डिवाइड बाई ई, दिस इंप्लाइज वी नॉट इज इक्वल एच एफ, क्या लिख सकते हैं, एच एफ को लिख सकते हैं सी बाई लैम्बडा, तो एच एफ को लिख सकते हैं सी बाई लैम्बडा, और साथ में ई, ये वाला ई है, माइनस फाई नॉट बाई ई, ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ध्यान से देखिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये होती है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। ठीक है, होप इंशाल्लाह आप सबको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको बोल रहा हूं एक बार नहीं तो एक दो बार तीन बार इसको देखिएगा लेक्चर को, फिर इसको समझने की कोशिश करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, आजकल हम ऑफलाइन में मिल ही रहे हैं, आप वहां से अपनी कॉपी लेके किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर वो मेरे पास आ सकता है, हम वहीं पर बैठे होते हैं और वो कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। इस चैप्टर को हम ऐसे ही लेके चलेंगे, ऑनलाइन लेके चलेंगे, और ऑफलाइन में इंशाल्लाह हम उठाएंगे
एटॉमिक न्यूक्लिये। फिर जो देखते हैं लास्ट में जो जो अगर इंशाल्लाह हम SCI वापस कैंपस जाएंगे वहां पर मैं आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको नोट करिए, कॉपी पे नोट करिए, इसका नोट भी मैं भेजता हूँ। फिलहाल आप कंटिन्यू करें ऑनलाइन ही, ठीक है। बीच बीच में देंगे, बीच बीच में हम इसको गैप भी रखेंगे, लेक्चर्स के बीच में गैप भी रखेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स ही देख पाएंगे। होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।